एक महीने में दूसरी बार कुएं से शव बरामद। लगातार हो रही घटनाओं से सवालों के घेरे में भदोही पुलिस। जहां एक तरफ जनपद भदोही में बीते कुछ दिनों में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं बीते कुछ सालों से लापरवाही को लेकर सुर्खियों में रहने वाली गोपीगंज कोतवाली एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल एक महीने में कुएं से दूसरी लाश मिली है। एक ही तरह की घटना क्षेत्र में दूसरी बार होना पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। भले ही लापरवाही के आरोप में एसपी भदोही डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन द्वारा गोपीगंज कोतवाल को निलंबित कर दिया गया है, फिर भी सवाल उठना लाजमी है कि जब जनपद के थानों की शिकायत बार बार की जाती है और थानों के लापरवाही की खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हों, बावजूद इसके पुलिस विभाग के अधिकारी तभी सक्रियता दिखाते हैं जब कोई बड़ी घटना हो जाए। वहीं महज एक दिन पहले औराई के पुरुषोत्तमपुर में कार सवार युवक द्वारा सरेराह बाइक सवार युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि अपराधी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा आम जनता को तो छोड़िए मीडिया कर्मियों का भी फोन नहीं उठाया जाता। ऐसे में कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाए जाने में पुलिस प्रशासन और मीडिया का समन्वय कमजोर दिखाई दे रहा है। दरअसल मंगलवार को जखाऊ क्षेत्र में कुएं में एक युवक की लाश बरामद की गई। एक महीने के भीतर दूसरी बार एक ही जगह पर कुएं से लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। कुएं में मिली लाश की पहचान लालपुर निवासी राहुल बिंद के रूप में हुई। वह बीते चार दिनों से गायब है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। गोताखोरों की मदद से पुलिस द्वारा लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। गोपीगंज कोतवाली के केड़वरिया स्थित महात्मा गांधी लिंक मार्ग के पास एक कुएं में मंगलवार को एक युवक की लाश उतराई मिली। कुएं में शव मिलने की जानकारी होते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। क्षेत्र में लगातार एक ही स्थान पर दूसरा शव मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। कोतवाल राम बहादुर चौधरी चौकी प्रभारी संतोष सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस भी मौके पर तैनात रही। परिजनों ने आरोप लगाया कि चार दिन पहले पुलिस से मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस आनाकानी करती रही। वहीं घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित दूसरे कुएं में बीते 16 फरवरी को हड़िया निवासी हिस्ट्री सीटर की लाश बरामद हुई थी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ये बताए क्या है पूरा मामला? देखिए उसी रात्रि को महाशिवरात्रि को जब झंडू फूटा था तो ये यहाँ सब लोग कर रहे, गाँव वाले यहाँ पे डीजे बैठा था, तो ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़के को दंगा भी हुआ, घर वाले इतना है रे, पता चला कोई और मारा गया, मारा गया, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं दिखावत बा, तब तो थाने में गए इंतकार में दो दिन तक लगी लाइन में, लाइन मोबाइल से पता चले, मोबाइल से नहीं पता चला, तब इंतकार में दो दिन बाद और तो सौ तो आज मिल गई। हाँ तो सौ मिल गया क्या, क्या मांग क्या है आप लोग? ये दरोगा पैसा खाएगा, कंप्लेंट का ही ना लिखे, कंप्लेंट का ही ना लिखे, अनुकार में जब हमारे एफआईआर दर्ज करा तो एफआईआर दर्ज का ही नहीं करेगा, हम मिठाई में पैसा देवा करा। मिठाई का पैसा कौन दिया है? जो दुश्मन देवा जी मारे हुए होंगे, होंगे देखिए लगभग 3-3:30 बजे के आसपास ऐसी सूचना मिली थी कि गोपीगंज थाना क्षेत्र में एक कुआं है, उस कुएं से कुछ बदबू आ रही है। तो जब स्थानीय लोगों ने देखा तो उसमें एक डेड बॉडी थी और डेड बॉडी को गोताखोरों की मदद से निकाला गया है और उसकी मृतक की पहचान भी हो गई है। गोपीगंज का ही रहने वाला राहुल नाम का लड़का है, 17 वर्षीय। तो पुलिस ने जो है बॉडी को अभी अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की कार्रवाई जो होती है पोस्टमार्टम की वो हो रही है। एफएसएल टीम भी मौके पे पहुंची हुई है और मुकदमा इसमें इसकी गुमशुदगी का पुलिस ने पंजीकृत कर लिया था और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।